हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऐसी फूड आइटम्स जो मैं कंज्यूम करता हूं स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग के लिए। मेरा वेट अब स्टेबल है और मैं मेनली मसल बिल्ड करता हूं, जिस पे मेरा फोकस होता है। तकरीबन 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करता हूँ और मैं डाइट को भी इस तरीके से कंज्यूम करता हूँ जैसे मुझे अपना गोल अचीव करना हो, और प्रोटीन इनटेक के थ्रू मैं इस अपनी मसल को ज़्यादा टोन कर पाऊँ और बिल्ड कर पाऊँ। इसके पहले मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको ये बता दूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं कभी कभी एग्स कंज्यूम करता हूँ। लेकिन आपके लिए जो मैं फूड लिस्ट डिस्कस कर रहा हूँ उसके अंदर मैं कुछ नॉन वेज आइटम्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगा जो मेरे फिटनेस ट्रेनर के साथ मैं काफ़ी बार डिस्कस करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, एग्स। एग्स प्रोटीन, विटामिन डी और हेल्थ फैट्स के काफ़ी सोर्स हैं। एग्स कंज्यूम करने के भी कई तरीके होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर गोल। आप अपने एग योक को काफ़ी टाइम तक अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप एक मील में 3 eggs ले लें तो आप एक एग लीजिए, एक योक लीजिए और 2 white लीजिए। सेकेंड फूड आइटम है सामन। इसका कंजम्पशन मसल गेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। Omega-3 फैटी एसिड्स मस्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सामन इसका एक रिच सोर्स है। नंबर 3 है सोयाबीन्स। इसको मैं काफ़ी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर कंज्यूम करता हूँ, बट कहते हैं कि हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने चाहिए। ये फैट्स, मिनरल्स, विटामिन के, आयन और फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। आयन डेफिशिएंसी मस्कुलर फंक्शंस को अफेक्ट कर सकती है, इसके लिए आयन रिच फूड्स कंज्यूम करना ज़रूरी है जो सोया में है। इसको आप अलग अलग तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, सोया चंक्स के फॉर्म में, सोया की सब्ज़ी के फॉर्म में। तो सोया को आप एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार कंज्यूम कीजिए। नंबर 4 है कॉटेज चीज़। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है पनीर, मतलब कॉटेज चीज़। इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो मसल बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 5 है किनुआ। बॉडी को एक्टिव रहने के लिए प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को भी की ज़रूरत होती है। किनुआ मतलब कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और फॉस्फरस होता है। तो इसकी कंजम्पशन से बॉडी को मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मैं एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार किनुआ भी कंज्यूम करता हूँ। नंबर 6, पीनट्स। पीनट्स भी कार्ब्स, फैट और प्रोटीन का अमेजिंग कॉम्बो है। इसको स्नैक्स की तरह भी लिया जा सकता है, पीनट बटर के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। उसकी भी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं जो आप डेली बेसिस में ऐड कर सकते हैं, बट आपको उसका कंजम्पशन रेस्ट्रिक्टेड लेना चाहिए। नंबर 7, प्रोटीन पाउडर्स। प्रोटीन पाउडर्स वर्क एज अमेजिंग सप्लीमेंट्स। कभी कभी बॉडी को प्रोटीन की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेना बहुत ज़रूरी है। गाइस, हम ये वीडियो शूट कर रहे थे और बहुत ही तेज़ आंधी आई, इसकी वजह से ये शूट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट इसका सेकंड पार्ट मैं शूट कर आऊँगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट है इसका। तो बाकी जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं उसको आप शूट करिएगा और मैं बहुत ही जल्द इसका सेकंड पार्ट शूट का कंप्लीट करूँगा और इस वीडियो को पब्लिश करूँगा। हाय फ्रेंड्स, जो मैं पिछली वीडियो शूट कर रहा था तब बहुत तेज़ आंधी आई जिसकी वजह से वीडियो को कट करना पड़ा और मतलब हमको 30 सेकंड्स का टाइम भी नहीं मिला था पैकअप करने के लिए। जैसे तैसे करके कैमरा गिर गया, लाइट्स गिर गई, तो ऐसा मेरे साथ तो कभी पहले नहीं हुआ है, बट मेरे को वीडियो को उस टाइम पर एंड करना पड़ा। अब मैं उसका कंटिन्यूएशन बना रहा हूँ। एज अ रिकैप, मैंने स्क्रीन पर जो जो अब तक फूड आइटम्स बताए हैं वो फूड आइटम्स मैंने स्क्रीन पर आपको रिकैप में नज़र आ जाएंगे। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा, जो और भी फूड आइटम्स हैं जो आप मसल गेन के टाइम पर कंज्यूम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, जो इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने जो ये इस साल में सीखा है वो मतलब मेरी लर्निंग का शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग कर्व था और इस चीज़ को एकदम दही की तरह मैंने अपने दिमाग में जमा लिया है और इस पॉइंट को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये पॉइंट है प्रोटीन पाउडर्स का। मैंने काफ़ी सारे लोगों से प्रोटीन पाउडर्स को के रिलेशन में काफ़ी नेगेटिव भी सुना है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी सुना है, पर मैं आपको सिर्फ थियोरी एक्सप्लेन करूँगा किसको प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए। वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन सूट करता है।
बट मैं आपको प्रोटीन पाउडर की थ्योरी समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके का रिग्रेस वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो सोया से हो, चाहे वो दालों से हो, चाहे वो पनीर से हो, चाहे वो फिश से हो, चाहे वो चिकन से हो, वो प्रोटीन अगर आपको ज़्यादा कंज्यूम करना पड़े तो आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। किसी टाइम पर अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो आपकी डाइट सेम रहेगी, डेफिसिट में आने में आपको टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको अपनी डाइट सेम रखनी है, लेकिन आपको अपना प्रोटीन इंटेक एक पाउडर से, प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में, चाहे शेक्स के फॉर्म में, चाहे स्मूदी के फॉर्म में कवर करना है। अब एक सिंपल थ्योरी है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, या आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं, या अपने फिटनेस ट्रेनर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी ये सिंपल थ्योरी को पढ़ेंगे आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आप डेफिसिट कैलोरी काउंट पर हैं या आप नॉर्मल कैलोरी कंजम्पशन कर रहे हैं अपने वेट को मेंटेन करने के पर्पज से, आपको पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट 0.8 ग्राम्स का प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर आप बिगनर हैं या आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वर्कआउट नहीं कर रहे पर आप एक घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप वॉक्स ही कर रहे हो और आप HIIT नहीं कर रहे हैं, कार्डियो नहीं कर रहे, तब भी आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम का प्रोटीन कंज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 80 किलोज है तो आपको 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है। तो आप चाहे इसको मील्स में डिवाइड करके करिए, चाहे आप इसको प्रोटीन सप्लीमेंट से कवर करके करिए, लेकिन आपको ये थियोरी को फॉलो करना पड़ेगा। और जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्कआउट्स कर रहे हैं, जो तकरीबन 1.5-2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं या 1 घंटा भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, HIIT कर रहे हैं, तो आपको आप 1.5 तक भी जा सकते हैं। और ये थियोरी कोई ऐसी नहीं है कि मेल फीमेल में क्या डिफरेंस होगा, ये जेनेरिक थियोरी है 0.8, 1 और 1.5 की, तो इसको मत भूलिएगा। लेकिन आपको कौन सा प्रोटीन किस तरीके से कंज्यूम करना है उसके लिए आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से भी बात करिए। प्लस ज़रूरी नहीं है कि आपको वे आइसोलेट सूट करेगा या किसी और तरीके का प्रोटीन सूट करेगा, आप ये देखिए कि आपको कौन सा प्रोटीन सूट करता है। इसके लिए आप छोटी क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन पहले बाय करिए, फिर देखिए कि आपको प्रोटीन सूट कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आप उनके बड़े पैक्स बाय करिए या आप उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करिए। बट यू फर्स्ट एडजस्ट टू द प्रोटीन दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू इन योर डेली वर्कआउट्स एंड योर डेली कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद 8th पॉइंट पे आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिल्क, दूध। इसके पहले कि मैं आपको मिल्क के कंजम्पशन के बारे में अपनी थ्योरीज एक्सप्लेन करूँ जो मैंने अपनाई और मेरे को फ़ायदा हुआ, मैं आपको एक इमिजिएट थ्योरी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो मैंने अपने न्यूट्रिशनिस्ट से सीखी, अप्लाई करी, डेफिसिट में भी फ़ायदा हुआ और वेट ट्रेनिंग और HIIT के टाइम पर और कार्डियो के टाइम पर भी फ़ायदा हुआ। सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी डेयरी कंजम्पशन, डेयरी इन एनी फॉर्म, चाहे वो बटर मिल्क हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का डेयरी का लस्सी हो, बटर मिल्क हो, अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो 1 दिन में 2 बार से ज़्यादा डेयरी कंज्यूम मत कीजिए, ठीक है? एस्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ डेफिसिट कैलोरी काउंट, और जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तब आपको ये देखना है कि आपकी डेयरी कंजम्पशन 2 बार से ज़्यादा ना हो। अब इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं जब आप कैलोरी डेफिसिट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप वर्कआउट कर रहे हैं। सो मैं इन अ डे तकरीबन 150 ml ऑफ मिल्क कंज्यूम करता हूँ। इसको कोविड से भी रिलेट करते हैं, आज की डेट में हर डॉक्टर, हर न्यूट्रिशनिस्ट, और शायद ये एक तरीके का नुस्खा है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी देते थे कि आप केसर और टर्मरिक डाल के, हल्दी डालकर अपने मिल्क को कंज्यूम कीजिए। इससे आपको क्या कहते हैं, एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगी। प्लस अगर आप इसको रात को कंज्यूम करते हैं, इवन इफ यू कंज्यूम 100 ml ऑफ मिल्क, आपको स्ट्रेट नींद आएगी, बिना टूटे नींद आएगी, और
जो हर न्यूट्रिशनिस्ट जिसने मेरे को भी सिखाया था कि आपको मिनिमम 7 to 8 hours की स्लीप चाहिए, वो स्ट्रेट 7 to 8 घंटे की नींद आएगी अगर आप रात को दूध कंज्यूम करते हैं। मैं मिल्क के अंदर 2 पीस अंजीर भी डालता हूँ और मैं ये तकरीबन लास्ट 3-4 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे को स्ट्रेट 7 to 8 hours की नींद आती है। कैल्शियम का कंजम्पशन एक्सटर्नल ना करके मिल्क का कंजम्पशन करना ज़रूरी है, बट आपको मिनिमम डेयरी में 150 to 200 ml ऑफ मिल्क कंज्यूम करना ज़रूरी है, इवन इफ़ यू आर ऑन अ फैट लॉस डाइट। मिल्क एक होलसम सोर्स ऑफ फूड कंजम्पशन होता है बचपन से लेकर। ऑब्वियसली बचपन से लेकर सिखाया जाता है कि मिल्क को कंज्यूम करिए ताकि ताकत आएगी। तो आप किसी भी तरीके की अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका डेयरी कंजम्पशन सही तरीके से होना चाहिए, चाहे आप उसको दही के फॉर्म में लें, चाहे आप उसको मिल्क के फॉर्म में लें, चाहे आप उसको लस्सी के फॉर्म में लें, लेकिन डेयरी ज़रूर कंज्यूम करिए क्योंकि मसल ग्रोथ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। आ जाते हैं हमारे 9th पॉइंट पे, वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में है आमंड्स। आमंड्स के कंजम्पशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके पहले कि मैं आमंड्स का कंजम्पशन जो मैंने सीखा है वो समझाऊँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो किस चीज़ में रिच है। आमंड्स रिच है विटामिन ई में, आमंड्स रिच है मैग्नीशियम में, आमंड्स रिच है फॉस्फरस में। इफ़ यू गूगल इट यू विल अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन ई, मैग्नीशियम एंड फॉस्फरस इन योर बॉडी। आमंड्स ज़्यादातर जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं एक स्नैक टाइम में खाने के लिए, ताकि आपको कभी भी जब भी आपको एक हंगर पैंग्स आ रहे हो तो वो हमेशा आमंड्स हैवी होते हैं तो वो आपके हंगर पैंग्स को दबा के रखते हैं। और ये जो थियोरी है जहाँ पर अगर सपोज आप कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हैं और आप 1200 to 1400 calories कंज्यूम कर रहे हैं, या इवन इफ़ यू आर वर्किंग आउट और आप 1700 to 1800 calories तक पहुँच गए हैं और 500 to 600 calories अगर आप बर्न कर रहे हैं, चाहे आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, तो आपको भूख, रात की भूख और दोपहर की भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है, या अगर आपके ब्रेक्स एक्सटेंड हो जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लग सकती है। तो वहाँ पर ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, आमंड्स या वॉलनट्स एक सब्सटीट्यूट की तरह यूज होते हैं ताकि आपकी भूख बैठी रहे, प्लस आपको एक्सट्रीम एनर्जी मिले। लेकिन आमंड्स को कभी भी एक्सेस में कंज्यूम नहीं करना है। जो मैंने थ्योरी सीखी है वो थ्योरी ये है कि आपको एक मुट्ठी भर के आमंड्स और वॉलनट्स कंज्यूम करने हैं, स्पेसिफिकली आमंड्स। आमंड्स को आपकी मुट्ठी के साइज़ में जितने भी आमंड्स हैं, तो 4 to 5 आमंड्स मैक्सिमम आपको उस मुट्ठी में लेने हैं। लेकिन अगर आप इसको भिगोकर, रात को भिगोकर अगर आप सुबह इसको कंज्यूम करते हैं तो ये और ज़्यादा खाने में अच्छे होते हैं। लेकिन इस थ्योरी को बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आपने एक्सेस में कंज्यूम करे तो फिर वो फैट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर्स और डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं कि आमंड्स को स्नैक टाइम में लीजिए, जब कोई 2 meals के बीच में एक्सटेंडेड आवर्स हैं तब लीजिए। आपको वर्कआउट में भी हेल्प करेंगे, एनर्जी भी बिल्ड करेंगे, और जो मैंने आपको सोर्सेज बताए वो आपको सोर्सेज की डेफिशिएंसी भी नहीं होने देंगे। लेकिन ये मत भूलिएगा कि इसको भिगो के खाना। चलिए आ जाते हैं 10th पॉइंट पे, वो है ब्राउन राइस। मैं एक काफ़ी ज़्यादा राइस ईटर हूँ, मुझे राइस बहुत पसंद है। जब मैं कैलोरी डेफिसिट प्रैक्टिस करता था तो मैं हमेशा सोचता था कि कब वो टाइम आएगा जब मैं रेगुलरली चावल खाना शुरू करूँ। सो मैंने सब्स्टिट्यूट यूज़ किया वाइट राइस का, वो था ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में प्रोटीन्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, लेकिन ब्राउन राइस की खास बात यह है कि आपको वाइट राइस के मुकाबले ज़्यादा देर तक खोल सकते हैं। चाहे आप डेफिसिट प्रैक्टिस कर रहे हों, चाहे आप मसल गेन कर रहे हों, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हों, आपको अगर राइस कंज्यूम करना है तो आपको ब्राउन राइस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। मैंने अपने इंस्टा पर इस पर एक रील भी बनाई है कि ब्राउन राइस कंज्यूम कितना करना है, वो आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल तनय तुलसानी पर जाके देख सकते हैं उस रील को। और ब्राउन राइस के बारे में मैं एक फ्यूचर वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ ब्राउन राइस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस कब आप कंज्यूम कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप किसी भी तरीके का राइस को लेकर क्वेश्चन मुझसे अभी भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ब्राउन राइस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं अब इस वीडियो के अंत पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें,
या कमेंट करें, और अगर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ जो कैलोरी डेफिसिट या वेट मसल गेन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन आए और पता चले। मिलते हैं अगले थर्सडे को, मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय नाउ।